अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कच्चे आम की एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। आप लोगों ने सिरके वाला खट्टा मीठा अचार मेरी रेसिपी को बहुत पसंद किया था, तो फिर आज मैं कच्चे आम से सिरके वाला ही अचार बनाऊंगी बिल्कुल नए तरीके से, और ये तरीका भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए लिए हैं हमने 2 कच्चे आम, ये वज़न में तकरीबन 350-350 ग्राम होंगे। एक ग्रेटर हमने लिया है, ये बीच वाली साइज़ है, बीच वाली मोटाई की, और ये सबसे मोटी वाली साइड है, तो इसी मोटाई वाले से हम ग्रेट करेंगे आम को। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आम का छिलके को हटाया नहीं है, बल्कि छिलके समेत इसे मैं ग्रेट करूँगी मोटा मोटा सा। दोनों आमों को हमने ग्रेट कर लिया। एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, इसे हम महीन वाली साइड से ग्रेट करके आम में मिला देंगे। तो अदरक भी हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसे ढक करके एक साइड रखते हैं, हम बना लेते हैं कुछ मसाले। फ्लेम ऑन करके एक पैन को रख लेंगे। डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून धनिया। हल्की आंच पर भून लेंगे 1 मिनट के लिए। मसाले हल्के से चटकने लगे हैं, अब हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून सरसों, पीली वाली सरसों, आप चाहें तो काली सरसों भी ले सकते हैं, और बस 30 सेकंड तक यानी आधे मिनट तक इसे हम भूनेंगे। फ्लेम ऑफ करते हैं, थोड़ी देर इसे ठंडा करते हैं। एक ग्राइंडिंग जार में डालते हैं। मसालों को हमने पीस लिया है, हल्के से दरदरे रह गए हैं, कोई बात नहीं है, मिला देंगे आम में। 1 टीस्पून सेंधा नमक मिला देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और हमने अभी 1 टीस्पून डाला और बाद में एडजस्ट करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये मैं ले रही हूँ 1+5 यानी 1.5 टीस्पून ले रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ज़रा सी हींग मिलाएंगे, समझ लीजिए 1/4 चम्मच। अजवाइन, अजवाइन से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक दूसरी बहुत अच्छी मैजिकल चीज़ मैं मिलाने जा रही हूँ, जिसकी वजह से अचार का टेस्ट इतना बढ़ जाता है कि पूछिए मत, और इसके फ़ायदे बेइंतहा है, वो है कलौंजी। तो 1/2 टीस्पून कलौंजी यानी नाइजेला सीड यानी मंगरेल मैं डालूँगी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं आम को और मसालों को मिक्स करके एक ग्लास बाउल में डाल रही हूँ। वो मैं ग्लास बाउल में क्यों डाल रही हूँ ये आपको मैं आगे बताती हूँ। और सॉरी, मुझे ये पहले ही कर लेना चाहिए था कि मुझे शुरू से ही ग्लास बाउल का इस्तेमाल करना चाहिए था, उसी में मुझे बनाना चाहिए था, तो मैंने प्लास्टिक बाउल का इस्तेमाल किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, तो बाद में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है ग्लास बाउल में। क्यों किया मैं ये आपको आगे बताती हूँ। मसालों की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। गैस ऑन करके पैन को रख दिया हमने इस पर। पैन में हमने डाल दिया है 1/4 कप सरसों का तेल। अब इसको अच्छी तरह से गर्म करते हैं। तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, देखिए स्मोकिंग पॉइंट पे आ गया है, बिल्कुल धुआं निकल रहा है, तो फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं, और बिल्कुल गर्म गर्म हम आम के ऊपर इसे डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने बाउल को चेंज किया, जो प्लास्टिक बाउल था उसमें गर्म तेल डालते तो शायद वो सही नहीं होता, इसलिए मैंने ग्लास बाउल में ले लिया आम को, और उसके ऊपर फिर सरसों का तेल डाला। अब हम डाल देते हैं 1/4 कप सिरका, ये वाइट विनेगर है, आप वाइट विनेगर का ही यूज़ कीजिएगा। अगर हम कलर्ड विनेगर लेते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट उससे कलर थोड़ा सा अचार का थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। मिक्स कर देंगे इसे। तो ये नए तरीके का अचार जो हमने सिरका डाल के बनाया है, बिल्कुल ही नई रेसिपी है, और ये इंस्टेंटली खाया जा सकता है, इसे धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब बरसात का मौसम आ चुका है, धूप कभी होती है कभी नहीं होती है, तो आप कोई ज़रूरत नहीं है धूप की। अब हम क्या करेंगे, सब मिक्स करने के बाद करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट के बाद हमने खोला, देखिए लाजवाब रंगत निकल के आई है अचार की।
और इसमें हमने सरसों का तेल थोड़ा डाला है और बाकी प्रिजर्वेटिव के लिए हमने सिरका का इस्तेमाल किया है, तो उसकी वजह से भी ये अचार महीनों चलता है, करीब करीब साल भर तो चल ही जाता है। हम इसे साफ सूखे कांच के जार में या सिरेमिक जार में भी आप रख सकते हैं। तो ये तैयार हो गया हमारा आम का सिरके वाला खट्टा अचार। और फ्रेंड्स, आपने हम मेरे आम के सिरके वाले खट्टे मीठे अचार को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो उम्मीद है आप इस अचार को भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको अचार की रेसिपी कैसी लगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसे धूप में नहीं हमें रखना पड़ेगा, ये आप इंस्टेंट खा सकते हैं। और अगर धूप आ रही है तो आप एक दो दिन रख भी सकते हैं, वैसे ऑप्शनल है, ना भी रखें तो भी ये अचार कई महीने तक बहुत आराम से चल जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।